नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। भारत सरकार ने चीन के 59 ऐप पर पाबंदी लगा दी है, जिसमें टिकटॉक जैसा मशहूर और बहुत ही लोकप्रिय ऐप भी है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या इस कदम की वजह से चीन सरकार को मजबूत संदेश जाएगा, क्या इससे चीन कंपनियों को नुकसान होने वाला है, और क्या वाकई में इतना बड़ा कदम है कि चीन इस कदम के बाद थोड़ा सा भारत को गंभीरता के साथ लेना शुरू करेगा। इसके साथ साथ सवाल और भी हैं, सीमा पर सरहद पर जिस तरीके से संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई है, उससे आगे का रास्ता क्या होता है, क्या आगे का रास्ता युद्ध की तरफ जाता है या कोई और रास्ता भी है, क्या भारत के राष्ट्रवादी जो है वो चीन के राष्ट्रवाद का सामना मजबूती के साथ करने के लिए तैयार है, और क्या 1962 की कहानी एक बार फिर दोहराई जाएगी। इन तमाम मसलों बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मशहूर पत्रकार और चीन को बहुत गंभीरता के साथ बहुत विस्तार के साथ समझने वाले, और उनकी मशहूर किताब भी चीन के ऊपर है, हमारे साथ बात करने के लिए प्रेम शंकर झा जी। प्रेम शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल, भारत सरकार ने जो 59 ऐप बैन किया है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? आशुतोष माफ कीजिए, आपका आपका चित्र यहाँ से मेरे कंप्यूटर से हट गया है। आप मुझे देख पाते हैं ठीक से कि नहीं? मैं आपको देख रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से देख रहा हूँ। ठीक है, तब आप बात करते रहे, मैं कहता जाऊंगा। आप फिर से ये सवाल फिर से पूछ लीजिए मुझे। मेरा सवाल ये है कि जो भारत सरकार ने 59 चीनी ऐप बैन करने की बात की है, ये कैसा कदम है, क्या इससे चीन को कुछ तकलीफ होगी? नहीं, चीनी को तो कोई तकलीफ नहीं होगी, चीन को तो कोई तकलीफ नहीं होने वाली है खास इससे। जो कंपनीज है उनको थोड़ा सा नुकसान होगा, पर वो बड़े आराम से इसको सह पाएंगे और जगह से उनके पैसे आते ही रहेंगे। ये तो एक तरीके से बचपना है कि मैं आपको कुछ खराब करने के लिए मैं अपना नाक काट रहा हूँ। लेकिन भारत सरकार का कहना है कि ये जो चीनी कंपनियां हैं, ये भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता के लिए खतरा है। वो कभी भारत सरकार ने कभी समझाया है हमें कैसे? क्योंकि अगर चीनियों के से हमें इनकी साइबर कैपेबिलिटी से हमें खतरा है, तो आपको एक याद रखना चाहिए कि आज से करीब 6-7 साल पहले चीनियों ने दिखा दिया था वो क्या कर सकते हैं। उन्होंने पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करके 15 दिन तक सब कुछ जो हम लोग अपने एक दूसरे से बात कर रहे थे उसको उन्होंने पूरा रिकॉर्ड कर लिया, तब बंद कर दिया। हमारे हम लोगों के ऑफिस में ये कंप्यूटर बंद था, उसके ऊपर उसमें घुस के वो सब चीज ले लिए। ये जब अगर चीन कुछ हमें हानि करना चाहती है साइबर वॉरफेयर में, तो वो बड़े आराम से कर सकते। इन कंपनियों को बैन करने से हमें कोई फायदा नहीं होता है। ये असल बचपना है, ये अंग्रेजी में कहते हैं ये एडोलेसेंस है, ये बुलिंग टैक्टिक्स है, और आप चीन को बुली नहीं कर सकते हैं, सीधी बात है। आपकी बात को सुनकर देश के तमाम राष्ट्रवादी जो है बहुत गुस्से में आ जाएंगे। उनका तो कहना है कि चीन भारत को बुली करता है। आशुतोष, मैंने बहुत अच्छा जॉब यूएन में छोड़ के मैं आया हिंदुस्तान, क्योंकि मैं भी राष्ट्रवादी हूँ, मैं राष्ट्रभक्त हूँ, मैं राष्ट्रवादी नहीं हूँ। जो असल राष्ट्रभक्त होते हैं वो राष्ट्रवादी नहीं होते हैं, वो राष्ट्रवाद करते ही नहीं है, वो अपने अपने देश अपने राष्ट्र की सेवा करते हैं, और सेवा में जोर जोर से बक के सेवा नहीं होता है। आप क्यों ऐसा कह रहे हैं कि ये जो कदम है यह बचपना है, क्यों? क्योंकि इससे बुराई सिर्फ हमें हो सकती है, चीन को क्या होने वाला है बताइए। अगर हम उनके टिकटॉक ना इस्तेमाल करें, हम चीनियों से बात करते हैं क्या? हम एक दूसरे से बात करते हैं, चीनी हमसे नहीं बात करते हैं टिकटॉक पे। हाँ, ये बात ये है, देखिए किसी भी ऐप को आप लेंगे तो आपको अपने बारे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है जी। पर वो तो गूगल तो हमारी पूरी इंफॉर्मेशन ले चुकी है, हमारे सब के इनके पास करोड़ों साइकोलॉजिकल प्रोफाइल्स हैं हमारे। कभी हम कुछ भी खरीदते हैं, हम कुछ भी बोलते हैं, हम कुछ किसी की तरफ नजर उठाते हैं, तो गूगल रिकॉर्ड करके हमें कहती है क्योंकि आपने इस मूवी को देखा, हम आपको ये मूवी भेज रहे हैं देखने के लिए। आप देखना चाहते हैं इस किताब बारे में, या क्या कहते हैं ईमेल ग्रुप में आपको हम शामिल करना चाहते हैं।
गूगल तो सब ऑटोमेटिकली सब कुछ कर रही है और सब पूरी दुनिया कर रही है, हम लोग भी दूसरों को करते हैं ना, हमारी साइबर कैपेबिलिटी खराब नहीं है। हाँ, बट लोगों का तो कहना है कि जिस तरीके से चीन भारत को बुली करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में चीन को कोई ना कोई संदेश तो दिया जाना चाहिए, और इसको एक संदेश के तौर पर देने की बात की जा रही है। अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, संदेश तो चीन ने हमें भेजा है और बहुत सख्ती से। उन्होंने कहा है कि देखिए 2009 से हमारे रिश्ते बहुत तेजी से अच्छे हुए जा रहे थे। 2009 में हुआ हिन में वेंजियाबाओ, प्राइम मिनिस्टर वेंजियाबाओ मनमोहन सिंह से मिले थे, दो दिन की बातें हुई थी, और ये मनमोहन जी ने नहीं पूछा था इसके लिए, वेंजियाबाओ ने पूछा था। ये हो रहा हुआ था क्योंकि दलाई लामा उस वक्त तवांग जाने वाले थे एक अस्पताल खोलने को, और उसको पूरी वर्ल्ड प्रेस लेके बहुत ह्यूज इवेंट करके कि दलाई लामा तवांग जा रहे हैं, तवांग डिस्प्यूटेड एरिया है, वो चीन कहते हैं कि हमारा सेकंड लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री है और उसको कब्जा करना चाहती है, तो ये हिंदुस्तान दिखा रहे हैं कि हिंदुस्तान का है ये। इस पे चीनी बहुत काफी हम लोगों को उन्होंने चेतावनी दी कि आप किसी न किसी तरह इसको रोकिए। जबकि हम लोग सुने नहीं, तब वेंजिया बाबा ने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो हुआ हिन में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसमें वो जाके साइड लाइन पे मिले और दो दिन की बातें हुई, बहुत अच्छी हुई। उन्होंने एक तरीका निकाल लिया, उन्होंने दलाई लामा गए अस्पताल खोले और एक भी फॉरेन जर्नलिस्ट को वहां हम लोग जाने नहीं दिए, और इससे इसका मीडिया इवेंट नहीं बन गया, इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस नहीं बनी, और चीनी लोग इतने खुश थे कि उस वक्त तक वो लोग अरुणाचल प्रदेश को साउथ चाइना कहते थे, अब उन्होंने इसको फिर से वो शब्द आज तक उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है फिर से। और पहले वो कहते थे कि हिंदुस्तान इज इन इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ साउथ चाइना, उसके बाद वो बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में बात करने लगे। अगर उस वक्त आप कह रहे हैं कि बॉर्डर आपका सीमा के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो इस बारे सीमा के नीचे सब हिंदुस्तान है, अरुणाचल प्रदेश का वो बात करना छोड़ ही दिया। उसके बाद 5 साल हमारे रिश्ते इतनी जल्दी बने, और इसका निशाना आपको है ब्रिक्स में, ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उसमें हम लोग शामिल होके एक दूसरी वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करना चाहते थे, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, क्योंकि यूएसए के नीचे हम लोग सब गुलाम होकर रहना नहीं चाहते थे, इसमें हम लोग सब एक हमारे एक हम लोग एक मन के थे। तो हर साल जो मुलाकात होती थी, सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग दिल्ली में 2012 में हुई थी। उस 2012 की मीटिंग में हम लोगों ने कहा था वी वॉन्ट मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। हम लोगों ने बहुत टिप्पणी की थी, लीबिया पे जो लड़ाई लोगों ने छेड़ दिया था, सीरिया पे छेड़ रखा था, इराक पे छेड़ रहे थे, इसकी टिप्पणी हम लोगों ने की। और हम लोग चाइना कहती थी कि देखिए हमारे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एक है, और इस बॉर्डर डिस्प्यूट के बीच में ना आने दीजिए, इसको ऑटोमेटिकली फेड में करने दीजिए। तो हम लोग उस बेसिस पे कर रहे थे, और बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म हो रहा था आस्ते आस्ते। मोदी अनजाने में इनके जो अनपढ़ अनजाने लोग हैं, उन लोगों ने इनको सिखा के मोदी जी ने इसको फिर से छेड़ दिया। बट सर 2013 में आप कह रहे थे जब मनमोहन सिंह के समय में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, वैसे में 2013 में तो डेपसोंग में तो चीन घुसाए थे, वहां पे लंबे समय तक आपस में फेस ऑफ था, तो आपकी बात कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हो रही? नहीं, कॉन्ट्रडिक्ट हो भी रही है, नहीं भी हो रही है। डेपसोंग के बारे में बहुत चीनियों को एम्बेरसमेंट हुआ, और बाद में इसके बारे कोई असलियत शायद नहीं जानेगा, पर इसके बाद एनडी नालापथ जो कि चीन के फेवरेट जर्नलिस्ट है उनको उन्होंने स्टोरी दिया कि ये किया गया था टिबेटन हाई कमांड, लानचाओ में जो हाई कमांड है उसने अपने मन से किया था, क्योंकि वो हिंदुस्तान और चीन के बीच में संधि नहीं चाहते हैं, संधि हो जाएगी तो ये लोग आधे लोग यहाँ से हट जाएंगे। सर पार्डन मी सेइंग सो, आप चीन को लेकर बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है? देखिए एक किसी मुल्क से अगर आपको कुछ करना है उसको पहले समझना पड़ता है।
आप, मैं सॉफ्ट नहीं हूँ, आप औरों से देखिए, आप बहुत लोगों से भी अगर बात करें तो आपको जो लोग जानने वाले हो आपको यही कहेंगे। क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि पिछले दिनों चीन हमारी सीमा के अंदर घुस के आया है, डोकलाम को के मसले पर काफी लंबा चौड़ा संघर्ष हुआ है, अभी गलवान वैली के अंदर उसके आने की बात है, फिर वो पेंगोंग में जो फिंगर्स हैं 4-8 वहां तक कब्जा कर रखा है, उसके अलावा हॉट स्प्रिंग में भी उसकी घुसपैठ की खबर है, और अरुणाचल प्रदेश में भी पिछले दिनों जो बीजेपी के एमपी है वो कह रहे हैं कि 10-15 किलोमीटर अंदर आ जा, और आप की बातों से ऐसा लग रहा है चीन का गुनाह नहीं है। देखिए आज मैंने नॉर्दर्न कमांड में किसी से बात किया है जी, उन्होंने कहा कि ये हमें बहुत चिंता हो रही है क्योंकि जो आपके हमारे अपने इसमें क्या कहते हैं इन अखबारों में निकल रहा है इससे हमें बहुत खतरा है, क्योंकि ये लोग ये सच या सच्चाई नहीं है, सच्चाई है कि चीन और हमारे में जो 6 जून को समझौता हुआ था कि हम लोग पीछे हट जाएंगे पांगोंग सो को छोड़ के और सब जगह 1.5 किलोमीटर हम लोग एक दूसरे से फिर दोनों रिट्रीट कर गए हैं, वो कोई आमना सामना नहीं हो रहा है। सेकंड बात उन्होंने कहा कि जो 2 लाइन ऑफ कंट्रोल है, एक चीन के डेफिनेशन और एक हमारा, इसके ये कहीं कहीं एक साथ है पर 23 जगहों में ये अलग है, उसके बीच में एक नो मैन्स लैंड आ जाता है। पैनगोंग लेक पे जो है ना 4वीं फिंगर और 8वीं फिंगर के बीच में ये एक नो मैन्स लैंड है। चीन कहते हैं कि हमारा बॉर्डर 4वीं फिंगर पे है, हम लोग कहते हैं हमारी 8वीं फिंगर पे है, हालांकि ज्यादा दूरी नहीं है इसमें पर है 7-8-10 किलोमीटर 7-8 किलोमीटर हो सकता है। अब वो लोग आके 4वीं फिंगर पे आके वो लोग वहां पे अभी जम गए हैं, और वहां से भी वो लोग थोड़ा सा उन्होंने क्या कहते हैं थिन आउट किया है कहते हैं, पर बाकी गलवान में निकल गए हैं, हॉट स्प्रिंग्स में निकल गए हैं, घोघरा में नहीं है। और ये जो न्यूज आ रही है कि जम के वहां पे वो बेस बना रहे हैं और हट्स बना रहे हैं और वो माने इंस्टॉलेशंस बना रहे हैं मिलिट्री इंस्टॉलेशन, ये सच नहीं है। जो ये सब बन रहे हैं ये दोनों इनकी हमारी सीज फायर लाइन जो है, जो हम जिससे जिसको डिफाइन करते हैं उसके उस पार है, जैसे कि अब गलवान में उनकी जो बेस है, ये हमारी भी बेसिस है ना, दौलत बेग ओल्डी बेस है, दुर्बुक बेस है, लद्दाख वैली में तो बहुत से बेसिस है जी, उनकी बेस 40 किलोमीटर दूरी पे है, उसके तस्वीर लेके दिखा रहे हैं कि ये देखिए ये बना रहे हैं अनजाना, कौन ये सब समझा ये सब कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर ये मैं आपको हॉर्सेस माउथ से कह रहा हूँ जी, और ये अभी की बात नहीं, मैं इन जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ मैं अपने अपने फोर्सेस से बात करके कह रहा हूँ। बट सर मेरा सवाल ये है कि अगर 6 जून को सब समझौता हो गया था तो फिर 15 जून को भारत और चीन के सैनिकों के बीच में लड़ाई क्यों हुई और क्यों हमारे 20 जवान शहीद हुए? ये अत्यंत क्या शोकजनक इश्यू ये हुआ वहां पे, क्योंकि असल में हुआ क्या था कि यहाँ की लाइन ऑफ कंट्रोल पैनगोंग गलवान में है वो कुछ दूर करीब शायोक नदी से जहाँ इनकी हमारी वो मिलती है गलवान, उससे करीब 1 किलोमीटर या 1.25 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर अंदर है। अब वहां पे क्या था कि वहां पे 2 छोटी नलियां नला आते हैं और मिलके वो गलवान नदी बन जाते हैं, तो वहां पे उसके ऊपर इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट बना दिया था अब लाइन ऑफ कंट्रोल के अपने साइड में जी। और नीचे एक टेंट बना रखा था और कुछ नहीं, जो 15 को हमारे जब कर्नल बाबू के लोग गए उनमें से एक डिटैचमेंट या शायद अलग से डिटैचमेंट गई होगी पर ये बताता हूँ, एक डिटैचमेंट ने पहले वो टेंट को हटा दिया, तब वो ऊपर जाके उनसे कहे अब उनके वो पेट्रोल पॉइंट 14 कहते हैं उस जगह को, वहां जाके उनसे उन्होंने बात करना शुरू किया, उन्होंने पूछा कि 6 जून का जो एग्रीमेंट था आप पीछे क्यों नहीं गए हैं, क्योंकि आपको 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर पीछे जाना था।
उन्होंने कहा कि हम यहाँ ऑब्जर्वेशन पर, अच्छा एक बात और कहा उन्होंने, उन्होंने कहा कि देखिए आप पीछे जाने के बदले आपने एक और यहाँ पे उसी पॉइंट अपने पेट्रोल पॉइंट 14 पे अपने साइड में आपने एक और ऑब्जर्वेशन पोस्ट बना दिया, ये क्यों बनाया है आपने, इसको तो निकालिए। उन्होंने कहा हमने ये ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाया है ये देखने के लिए कि आप लोग पीछे जा रहे हैं कि नहीं। अच्छा ये बात हो ही रही थी कि किसी ने कर्नल बाबू को धक्का दिया। बाद में पता लगा नॉर्दर्न कमांड के लोगों कि असल में क्या हुआ था, चीन वाले जो देखिए जो सोल्जर्स है ना इनकी भी चेंजिंग होती है, ये नए सोल्जर्स आए हुए थे, कोई नए रेजिमेंट या डिटैचमेंट के लोग आए थे, और जिन लोगों को हमारे सोल्जर्स माने पेट्रोल में मिलके उनको मैंने उनके माने पहचान गए थे वो लोग नहीं थे, तो उसने कर्नल बाबू को धक्का दिया और ये सहा नहीं गया और इससे इस लड़ाई शुरू हुई थी। और ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि ऐसी हुई, और बेहद बदकिस्मती की बात है कि इतने अच्छे आदमी कर्नल बाबू गए थे देखने के लिए कि अनजान मुश्किल गलती से भी कोई इसमें यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, और उन्हीं के कारण कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, वो बेचारे मारे गए। पर क्या वो निहत्थे थे? अच्छा था। और उसके चीन आज तक वहां पे अंदर नहीं आई है। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस शाम को 19 के शाम को कहा था, ये बिल्कुल ठीक कहा था कि अगर आप इसको नो मैन्स लैंड समझ जाए तो जो अनडिस्प्यूटेड इंडियन टेरिटरी है उसमें चीन अभी तक नहीं आई है कहीं भी, ना तो पांगोंग में ना गलवान में ना घोगरा। बट सर आप जो बात कह रहे हैं, अगर कोई वहां जाके देखा नहीं है, मैं यहां की कोई गए नहीं है, मैं आपकी बात को डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूं, बट मेरा ये कहना है कि जनरल परसेप्शन ये है कि चीन बहुत बेलिजरेंट है और वो हमारी सीमाओं के अंदर आ गया है। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर ये तनाव क्यों है सरहद के ऊपर? हमारी दोनों सेनाएं क्यों आमने सामने खड़ी हो गई? दोनों तरफ से तैयारी चल रही है। अगर सब कुछ कोई झगड़ा ही नहीं है, अगर वो अपनी सीमा के अंदर है हम अपनी सीमा के अंदर, फिर झगड़ा क्यों है? आशुतोष सबसे पहले ये झगड़ा चीन के 24 सीमाओं पे इश्यूज थे और मुल्कों के साथ, उन्होंने 23 को समझौता कर लिया है, एक रह गया वो हिंदुस्तान के साथ है। उन 23 में दो ही जगह और में जरा भी लड़ाई हुई, एक था वियतनाम के साथ और दूसरा था रूस के साथ उसूरी रिवर पे, बाकी 21 जो थे सब उन्होंने विदाउट फाइटिंग सेटल किया। इनमें से 15 जो थे इनमें चीनियों ने प्रिसाइज बॉर्डर डिफाइन नहीं किया, वो नहीं करना चाहते थे, क्यों इनके कारण मैं नहीं जानता हूं, पर हम अकेले इसमें नहीं है। अब भी हम 1993 एग्रीमेंट में हम लोगों ने बॉर्डर रीजन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द बॉर्डर रीजन पीस ये था, ये बॉर्डर हमने बनाया ड्रॉ नहीं किया था, हम लोगों ने कहा था हमारे तरफ से हमने कहा था कि हम लोग इसको बाद में करेंगे, हाँ बाद में करेंगे। चीनियों ने हमें कभी इसके अपने मैप्स नहीं दिए क्योंकि उन्होंने क्योंकि वो करना नहीं चाहते थे, सीधी बात है, जैसे और जगह उन्होंने किया था इसको छोड़ देना चाहते थे, एक 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 तरीके से नो मैन्स लैंड एक जोन छोड़ देना चाहते थे। अब वो जो जोन है उसके अंदर पेट्रोल्स मिलते थे और ये होता था, और उसमें अब एकाएक चीन ने बदल दिया, अपना रूप बदल दिया, या ठीक है बात तो सच है, मैं हम लोग जो बात कर रहे हैं कि ये हिंदुस्तान के अंदर घुस गए हैं। देखिए वो एग्रीमेंट इसीलिए हुआ क्योंकि इस सीमा को डिसाइड करने के लिए, और अगर सीमा नहीं डिसाइड किए हुए हैं तो तब आप कैसे कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर आ चुके हैं? वो जो अनडिसाइडेड जोन है, जोन ऑफ डिस्प्यूट जो है, जो 23 हमारे जोन डिस्प्यूट है उसके अंदर है वो, और वो हिंदुस्तान में अभी उन्होंने हमला नहीं किया है। ये देखिए अब हमारी मीडिया जो है इतनी बर्बादी कर रही है हमारे मुल्क को, और हमारे गवर्नमेंट हमारे पॉलिटिशियंस वैसे ही हैं, मैं सिर्फ मीडिया को दोष नहीं दे रहा हूँ, हमारे हमारे मुल्क को फिर जैसे कि 1962 में हुआ एक जंग में ढकेल रहे हैं जो कि हम लोग कभी जीत नहीं सकते, किसी भी हालत में जीत नहीं सकते हैं, मान जाइए मेरी बात,
मैं आपको एक चीज सिर्फ आपको बताऊंगा और आप समझ जाइएगा। हमारी एक सड़क है ना पानगोंग से लेके दुर्भुख होके और वो गलवान होके दौलत बेग उल्टी जाती है। इस स्ट्रेच में चीनियों के 13 सड़क हैं लाइन ऑफ कंट्रोल तक। अच्छा। और तीन इतने बड़े सड़क हैं, इनमें इनमें टैंक्स और आर्टिलरी आती रोड रोड पे आती है, हम लोगों को फ्लाई फ्लाई करके ले जाना पड़ता है। अर्थशास्त्र में भी है कि आप उस जंग उस लड़ाई को ना शुरू कीजिए जो कि आप पहले से जानते हैं आप जीत नहीं सकते हैं। आप पता लगाइए किस कारण से ये सिलसिला उठा है, क्यों चीन जो इतनी पहले दोस्ती करना चाहती थी अब इतना हॉस्टाइल क्यों हो गया है। जब वो समझ लेंगे तब उसके बाद अगर उसका कोई हल नहीं निकल सकता है तब जंग वॉर इज योर लास्ट रिजॉर्ट सर, वेपन ऑफ लास्ट नॉट फर्स्ट रिजॉर्ट। यहाँ हम लोग बचपना कर रहे हैं और हम लोग ललकार रहे हैं, चीन को ललकार रहे हैं, कैसे लोग हैं हम लोग। नहीं मैं आपसे आखिर में आपसे दो सवाल करूंगा। पहला सवाल ये करूंगा कि अगर चीन हमारी सीमा के अंदर नहीं घुसा है तो फिर ये झगड़ा क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, कौन लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए, क्यों भारत बात इसके बारे में। मैं आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। देखिए जब जबकि कांग्रेस यहाँ पे थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा थी, उस वक्त कुछ अंडरस्टैंडिंग थे और नरसिम्हा राव के टाइम अंडरस्टैंडिंग ये थे कि एक तो चीन और हिंदुस्तान के बीच में जो सीमा है ये हम लोग ग्रेजुअली सेटल करेंगे। दूसरा सिमल्टेनियसली हमारा पाकिस्तान के साथ सीज फायर हो गया था, आपको याद है, और वो सॉफ्ट बॉर्डर्स अटल बिहारी जी ने और मुशर्रफ ने उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया था। शिमला एग्रीमेंट में हम लोगों ने इसको डी फैक्टो बॉर्डर बनाया था, कह दिया था, मान चुके थे डी फैक्टो बॉर्डर उस एग्रीमेंट पे है। अगर वो है उसके बाद मोदी जी उठ के कहे कि ये पूरा ऑक्यूपाइड कश्मीर ये हिंदुस्तान का इलाका है, हम इसको लेके रहेंगे। अमित शाह तो हाल में ही कह 4 महीने पहले उन्होंने फरवरी में ये बात कही थी फिर से। अब दूसरी बात ये है, चीन की चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कराकोरम पास होके जाती है। कराकोरम पास दौलत बेग ओल्डी से सिर्फ 13 किलोमीटर पे है और उसी हाइट पे है। दौलत बेग ओल्डी से अगर हम लोग हॉबिट्सर से गोली मारने लगे तो हम लोग कराकोरम पास को वहीं से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और हम लोगों ने कह दिया है कि आप गिलगित आपसे रिश्ता ही नहीं रखेंगे जब तक ये नहीं मानेंगे कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है। अब डिस्प्यूटेड एरिया में तो चीन मानने को तैयार है, पर कहते हैं कि भाई डिस्प्यूटेड है तो ठीक है पर ये हमारा काम तो होने दो। चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उस तरफ पैसिफिक की तरफ इन पे बहुत ज्यादा जोर पड़ रहा है। ये मिस्टर ट्रंप बड़े अनप्रिडिक्टेबल है जैसे मोदी साहब अनप्रिडिक्टेबल है और उन्होंने 3-4 दफा ललकारा है, 3-4 दफा इनको उन्होंने धमकी दी है। एक दफा उन्होंने सबमरीन भेजा, दूसरे दफा उन्होंने पूरा फ्लीट भेजा और आप जानते हैं एक सबमरीन के अंदर 155 टॉमहॉक मिसाइल्स होते हैं जिनका रेंज है 1100 किलोमीटर और एक सबमरीन पूरे शंघाई की इंडस्ट्री को एक रात में खत्म कर सकती है, एक रात में। इसीलिए अगर उनको दूर ही रखना है नहीं तो पूरा जंग हो जाएगा, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा दोनों के बीच में। ये चीन को बहुत ही जरूरत है वहां पे शांति की और क्योंकि उनका जो पूरा जो पावर है अभी वो ट्रेड पे डिपेंड करता है। वो अमेरिका में 72% 72% सर कंज्यूमर बिकते हैं वो चीन से आते हैं। अब अगर ये बंद हो गया तो चीन खत्म हो जाएगी, तो सबसे ज्यादा चीन को काम है। तो आपके है आपके कहने का मतलब ये है, आपके कहने का मतलब ये है कि इस जो वर्तमान क्राइसिस है उसके लिए मोदी सरकार की कश्मीर पॉलिसी जिम्मेदार है या जो जिंगोइज्म है नेशनलिज्म का? जिंगोइज्म एंड नेशनलिज्म और कश्मीर पॉलिसी खास करके है और इतनी खराब, इसका नतीजा इतना बुरा हुआ है कि अब आपने चीन और पाकिस्तान को इकट्ठा कर दिया इस कराकोरम के ऊपर
और मैं अभी से आपको कह देता हूँ, मैं आपको चेतावनी देता हूँ आपके आपके टीवी चैनल के थ्रू कि देखिए हम अगर हम लोग चीन को नहीं समझे, वो किसी से जंग नहीं चाहते हैं। और अगर आप चाहें तो मैं 1962 तक मैं ले जाऊंगा आपको, मैं दिखाऊंगा कैसे ये जंग उन्होंने नहीं छेड़ा, हमारी गवर्नमेंट इंटरनल पॉलिटिक्स। मुझे 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 डर ये है कि आपका ये इंटरव्यू सुन के बहुत सारे लोग आपको चीनी एजेंट घोषित कर देंगे। ठीक है, मुझे कहने दीजिए, पर मैं सच बोलूंगा। देखिए, जनरल ब्रिगेडियर प्रेम भगत जो कि विक्टोरिया क्रॉसर है, उन्होंने वो रिपोर्ट लिखा था एंडरसन ब्रुक्स, मैंने नहीं लिखा था। और वो कोई भी चाहता है वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, 10-15 साइट पे मिलता है, पढ़ लीजिए। कम से कम मैंने पढ़ा है, हमारे लोग ईख रहे हैं, ललकार रहे हैं और अपने इतिहास नहीं जानते हैं, अपने हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट नहीं पढ़े हैं। वो प्रेम भगत क्या के चीनी एजेंट थे क्या, जो जिन्होंने विक्टोरिया क्रॉस जीता, आप मुझे बताइए। बिल्कुल, ये आशुतोष, ये तो पागलपनी है, हमारी मुल्क पागल हो गई है। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि मनमोहन सिंह और कांग्रेस जिन्होंने पीस के तरफ हम लोगों को लाया, शिव शंकर मैंने जो कि इनके किए थे, सब चुप है, सब चुप है, सब कह रहे हैं चीन एग्रेसिव है। अरे बाबा, चीन अगर लड़ाई शुरू हो जाए और लोग हमें हथियार भेज रहे हैं लड़ने के लिए, क्योंकि उनके लोग जब अमेरिकन नहीं मरेंगे, हमारे लोग मरेंगे और चीन का व्यापार खत्म हो जाएगा, ये उनका काम है, ये उनका गोल है। जैसे कि मिडिल ईस्ट को बर्बाद किया, वो चीन पे तुले हुए हैं। बिल्कुल, हम तो छोटे लोग हैं इसमें भाई, ये गेम बहुत बड़ा गेम है, बहुत बहुत बड़ा गेम है। उम्मीद करते हैं कि ये जो तनाव है, ये तनाव जल्दी खत्म होगा। और आपने बिल्कुल सही कहा, कभी कभी सच कहना बहुत जरूरी होता है, और उसके लिए अगर अलोकप्रिय भी होना पड़े तो भी देश के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सर। थैंक यू। सत्य हिंदी के और वीडियोज को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।